हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम आ चुका है। मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम जब ठेले के सामने से निकलते हैं, शॉप के सामने से निकलते हैं, तो हमारी आंखों के सामने वो चीज़ आती है और हम जानते भी हैं कि वो चीज़ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट रखती है, लेकिन शायद आप उसको बनाने का तरीका नहीं जानते हैं। मे बी शायद आप सोचते हैं कि हम इसे कैसे खाएंगे, हम नहीं खा पाएंगे। तो आज मैं बहुत ही हेल्दी, जो कि आपके बालों को, आपके नेल्स को, आपकी स्किन को, आपके फैट को पूरी तरह से गला देगी, बालों को बहुत अच्छा करेगी, आंखों की रोशनी बढ़ाएगी, बिकॉज फुल ऑफ विटामिन सी है। तो जैसा कि आप विटामिन सी के लिए विटामिन सी सीरम लगाते हैं, विटामिन सी के लिए आप विटामिन सी टैबलेट लेते हैं बिकॉज ऑफ स्किन लाइटनिंग, तो ये एक नेचुरल विटामिन सी है, ये एक नेचुरल फैट बर्नर है। जैसा कि राजीव दीक्षित जी का भी कहना है कि अगर आप इसे अपनी डाइट में ऐड करने लगेंगे मॉर्निंग की डाइट में, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और बहुत ही ज़्यादा सा डिफरेंस देखेंगे इन सर्दियों में, यानी कि 7 to 8 kg आप डिफरेंट खुद देखेंगे बैठे बैठे। और बहुत ही यम्मी तरीके से मैंने बनाया है और हर डाइट के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ, लंच के साथ, डिनर के साथ, किसी समय भी ऐड कर सकते हैं, तीनों टाइम भी ऐड कर सकते हैं, इतनी टेस्टी सी है ये चीज़। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में एक छोटी सी बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पे एक सीजनल फल की चटनी लेके आई हूँ जिसका नाम है आंवला, और ये बहुत ही अच्छा काम करेगी आपके बालों पे, आपके स्किन पे और आपके वेट लॉस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। और ये वीडियो मैंने बहुत छोटा बनाया है, एक क्विक वीडियो है। तो आपको यहाँ पे 5 to 6 आंवला लेना है, और ये जो आंवले 5 to 6 हैं ये इजिली आपका 1 week तक चल जाएगा। आपको 1 कटोरी हरा धनिया लेना है, फ्रेश कोरिएंडर लीव, और आप सब जानते हैं कि आंवला हमारे बाल और स्किन के लिए कितना अच्छा है। और यहाँ पे मैंने 15 to 20 गार्लिक लिया हुआ है, यानी कि लहसुन लिया हुआ है, और क्योंकि आंवले में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है तो ये आपकी स्किन को भी ग्लो देगा और आपके वेट लॉस भी करेगा। और भुना जीरा लेना है, जितना तीखा आप खाते हैं उस हिसाब से आपको हरी मिर्च लेनी है। और मैंने यहाँ पे जिंजर जो लिया हुआ है वो कद्दूकस के घिस के लिया हुआ है, क्योंकि वो ईजली ग्राइंड हो जाए। और ये 2 बाउल मिला के मेरे 5 to 6 आंवला हैं। आपको बस इन सबको एक अपने चटनी जार में पीस लेना है। चटनी जार मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, हाँ मुझे इसमें 2 बार में पीसना पड़ेगा, बट इसमें जो है वो चटनी बहुत ही ठीक फॉर्म में आएगी, बिल्कुल भी ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, तो मुझे 2 बार में पीसना पड़ेगा। और इसी तरह के क्विक वीडियोज़ देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसके बगल में एक जो बेल आइकन लगी है उस बेल को भी आपको प्रेस करना पड़ेगा ताकि आप मेरे लेटेस्ट अपडेट के साथ बने रहें। और इस चटनी को आप इजीली फ्रिज में रख के खा सकते हैं। मेरी चटनी रेडी, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनी है। इसे आप फ्रिज में स्टोर करिए, खाइए, वेट लॉस करिए, अपनी स्किन को हेल्दी बनाइए, अपने बालों को अच्छा करिए, क्योंकि ठंड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बालों के झड़ने की होती है, तो आप उससे भी निजात पा सकते हैं। फ्रेंड्स, देखा, यम्मी सी रेसिपी, क्विक सी रेसिपी, इजी सी रेसिपी। एंड बहुत से लोगों को कहना होता है मुरब्बा खाइए, मैं पर्सनली बोलूँगी मुरब्बा इस मत खाइए क्योंकि आप शुगर ऐड करोगे जो कि आपको वेट को बढ़ा देगी। लेकिन इसमें मैंने अदरक ऐड किया है, क्यूमिन सीड्स ऐड किए हैं जो आप जस्ट लाइक फैट बर्नर को और इम्प्रूव कर देगी, उसके गुणों को और इन्हेंस कर देगी। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।